हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरी साइड है और इसको मैं माइग्रेशन करने वाला हूँ अभी। तो ये सिंपल सी साइड मैंने बनाई है डीवी थीम में, ये ठीक है ना। अब इसे मेरे को माइग्रेट करके किसी और सर्वर में लेके जाना है, ठीक है ना। इसके 1, 2, 3, 4 पेजेस हैं ये, और सारी चीज़ें हैं इसकी, सब कुछ वर्डप्रेस में ही डेवलप किया है मैंने। तो अब यह है कि ये साइट पूरी की पूरी मुझे माइग्रेट करना है दूसरे सर्वर में। तो मैं ये कर ही रहा था तो मैं सोचा वीडियो भी बना देता हूँ बहुत ईजली। तो माइग्रेट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होता है, 2 प्लगिंग आपको इंस्टॉल करने हैं यहाँ पे, है ना। ये मेरे पुराने प्लगिंग्स हैं जो वेबसाइट के लिए ज़रूरी, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, बट मुझे 2 प्लगिंग और इंस्टॉल करने हैं। तो वो मैं 2 प्लगिंग इंस्टॉल करूँगा, तो बस 2 मिनट आप रुक जाइए। तो अब यहाँ पर जाता हूँ मैं। एक प्लगिंग तो होता है इसमें जो कि हैवी होगा, तो मैं क्योंकि फाइल साइज हैवी होती है इसलिए मैं इसे सी ड्राइव से ही अपलोड करूँगा। तो इसका मेरा सी पैनल है, तो मैं ऑलरेडी किया था, तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, तो ये आपका सी पैनल, जैसे मैंने कई बार बताया आपके सी पैनल में ये सारी फाइल्स होती है, यहीं पर होता है आपका प्लगिंग्स भी होता है। WP कंटेंट, कंटेंट के अंदर सारा कंटेंट होता है, इसके अंदर एक फोल्डर होता है प्लगिंग्स, जिसके अंदर सारे प्लगइन्स रहते हैं। मोस्टली 99% में जो अपडेट करता हूँ वो सी पैनल से ही करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्लगइन डालूंगा, दैट इज कॉल ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ऑल इन वन WP माइग्रेशन करके ये प्लगइन्स मुझे इंस्टॉल करना है। तो इस प्लगइन का नाम मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी अपलोड हो गया, लेट्स चेक दिया। मैं अपने प्लगइन के फोल्डर में वापस गया, राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, और ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इसे रीलोड कर लीजिए, आप चाहे तो यहाँ का जो प्लगइन्स है आप इसे डिलीट कर दीजिए ताकि अननेसेसरी फाइल हैवी ना हो। तो ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना, बाकी की सारी फाइलें हैं अब यहाँ पे। अभी मैं जाऊँगा तो मुझे ये यहाँ पे प्लगइन्स मिलना चाहिए वो, ठीक है ना। रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्लगइन्स मिलेगा, ये कहाँ पे गया, ऑल इन वन ये, ठीक है ना। इसे मैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया और एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको ये प्लगइन डायरेक्टली अपडेट नहीं होगा, इसके लिए एक और एक्सटेंस, ये तो एक्सटेंशन है मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, ठीक है ना। आपको एक और प्लगइन डाउनलोड करना होगा इसी कंपनी का, डेट इज WP माइग्रेशन। तो आप जाएंगे यहाँ पे एड न्यू में, चले जाइए एड न्यू। तो एक्चुअली मैं जब पढ़ाता हूँ या बताता हूँ तो बहुत सारा कुछ समझाना होता है, लेकिन आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसकी सीधा सा फंडा है, आपको 2 प्लगइन डाउनलोड करने हैं, एक और अपलोड करने हैं, और दैट्स ऑल, काम ख़त्म, आपका हो जाएगा काम। तो मैं देखता हूँ, मैं तो ये हो गया, इसे भी मैंने एक्टिवेट किया। तो अभी देखिए, अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक्टिवेट करने के बाद ये देखिए आ गया, ये यहाँ पे ऑल इन वन एक्सटेंशन है ना। तो अभी क्या करना है मुझे, वेबसाइट इंपोर्ट करनी की एक्सपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे जाऊँगा, ये देखिए एक्सपोर्ट का बटन है, तो एक्सपोर्ट किया। अब ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़, ये पूछता कहाँ पर है, फाइल्स एक्सपोर्ट करनी है कि किसी FTP में एक्सपोर्ट करना है कि ड्रॉपबॉक्स, क्या चाहिए। तो सबसे अच्छा इसमें होता है ये फाइल्स का, ठीक है ना। तो आप फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए, बेटर है। अब जब तक ये एक्सपोर्ट होगा तो इसे होने दीजिए, थोड़ी सा हो सकता टाइम लगे। तो अब ये सारी फाइल्स जब यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी तब इसको आप कहीं पर भी माइग्रेट कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर दूसरी जगह कैसे माइग्रेट होगी, उसके लिए यह है कि आपको जिस वेबसाइट, जहाँ पे भी, जिस वेबसाइट्स में या जिस वर्डप्रेस URL में ये चाहिए, आपको वहाँ पे भी ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है ना। तो वंस यू कैन इंस्टॉल दिस ऑल द प्लगइन्स, अगेन अपने आप काम आपका हो जाएगा। तो कौन से प्लगइन्स मैंने बताए, एक बार रीलोड करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 ही प्लगइन है मेरे पास, हाँ ये देखिए, ये ऑल इन वन एक्सटेंशन और एक WP, ऑल इन वन WP माइग्रेशन और एक है WP माइग्रेशन। ये दोनों प्लगइन, एक आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और एक वहाँ से, और इसके बाद आप साइट कहीं पे भी बनाएंगे तो आपकी साइट तैयार हो जाएगी। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अभी जो भी मैं काम करता हूँ ना, एक सब डोमेन में बनाते हैं, तो किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाता हूँ तो एक सब डोमेन में क्रिएट करते रहता हूँ मैं हमेशा, और उसी सब डोमेन में मैं क्या करता हूँ क्रिएट करने के, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ वो इस सब डोमेन का। तो एक देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है उसका नाम, हाँ तो ये मेन वेबसाइट तो ये है, लेकिन इसी इसी कंपनी की एक और वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा था मैं,
तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसी नाम की, इसी कंपनी की थी, तो मैं इसी में एक सब डोमेन बना के मैं इसमें डिज़ाइन कर रहा हूँ ये वेबसाइट। जैसे अगर उनको पसंद आ गया और सब कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, इसे उसमें माइग्रेट कर दूंगा, है ना, दूसरे वाले जो भी उनकी उनका URL होगा। तो अभी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अभी, सिंपली ये है। और तो एक वंस इट विल बी रेडी आई विल माइग्रेट दिस फुल वेबसाइट इनटू द पर्टिकुलर URL और जगह पे जहाँ पे ये बोलेंगे वो सर्वर में, वहाँ पे एक्सेप्ट। तो कुछ समय बाद जैसे ये पूरा होगा, थोड़ी सा टाइम लगेगा इसमें एक्सपोर्ट में, एक जिप फोल्डर मिल जाए आपको, मिल जाएगा आपको, फिर आप वहाँ पे जाके पूरी की पूरी साइट तैयार करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये है, तो ये एक्चुअली मैं जहाँ से कर रहा हूँ वो GoDaddy से कर रहा हूँ। GoDaddy से अगर आप SSL वगैरह लेते हैं ना तो थोड़ी पैसे लगते हैं, बाकी आप सब डोमेन वगैरह से कहीं, जैसे अब मैं, मेरे से कोई सर्वर परचेज करता है या फिर डोमेन परचेज करता है तो मैं एक थीम भी डाल देता हूँ उसमें पर्टिकुलर अच्छी सी, और उसके बाद उसमें लॉक वगैरह सब लगा के देता हूँ ऐसा। तो ये देखिए अब ये GoDaddy में, तो रिक्वायरमेंट ये थी क्लाइंट की कि वो चाहता है यहाँ पे लॉक आना चाहिए, नॉट सिक्योर, है ना, सिक्योर आना चाहिए लॉक। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि ठीक है, तो मैं क्योंकि मेरा जो हॉस्टिंग है ना, मैं शेयर हॉस्टिंग का यूज़ करता हूँ, उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो मुझे थोड़ी सा सस्ता पड़ता है और मैं हर किसी को लॉक लगा के देता हूँ। जैसे कि आपको ये एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, तो ये मैंने खोली वेबसाइट, अगर तो यू विल फाइंड दिस सिक्योर, ये दिख रहा है आपको सिक्योर का बटन है ना, तो आपको ये ऐसा लॉक चाहिए होगा, तो उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं कुछ कंपनीज में, कुछ कंपनीज में नहीं भी लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं मोस्टली, तो मैं और एक आर्टिकल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे भी जाऊँगा तो ये भी, ये देखिए सिक्योर ही है ये, ये देखिए। तो मोस्टली मेरी जो वेबसाइट होती है प्रथम द मिरर, ये भी सिक्योर ही होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, लेट्स गो। तो जिस दिन मैं बनाता हूँ वेबसाइट में तो उसी दिन डोमेन बुक करता हूँ, उसी दिन लॉक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी लॉक है, सो ऑलमोस्ट द वेबसाइट्स आर लॉक। ये न्यूज़ की वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी, डिज़ाइन की थी। तो आपको अगर कुछ ऐसे काम है या कुछ करवाना है तो डेफिनेटली मैं नीचे ईमेल देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई थीम अपडेट करके या अपलोड करके दूँ आपके किसी सर्वर में, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सको या आगे काम कर सको, या फिर आप सोचते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट है जिसे रीडिज़ाइन करना है, तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लिए करिए, मैं आपके लिए ज़रूर कुछ करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप जहाँ पर भी हैं अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू सो मच।